खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेष राशि, रिश्तों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, समय अच्छा है। हाँ, एक सावधानी जरूर आपको बरतनी पड़ेगी, आपको अपने स्वास्थ्य खास तौर से पीठ और पेट का ख्याल रखना होगा, लेकिन कुल मिला के समय ठीक है, अनुकूल है, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। उपाय के तौर पर इस दिन पके हुए भोजन का दान जरूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि, ये समय कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया सीखने और करने के लिए अनुकूल है, कुछ बहुत विशेष भी आप कर पाएंगे, लेकिन बस एक छोटी सी सावधानी, इस दिन क्रोध मत कीजिएगा और भावावेश में आकर किसी से कोई बात मत कहिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए, आप दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान अवश्य करें। मिथुन राशि, इस समय आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है, अचानक कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है या यात्रा में करने में कष्ट हो सकता है, दुर्घटना के भी संकेत मिल रहे हैं, सावधानी एक बरतनी होगी। इस दिन भोजन संतुलित कीजिएगा और इन्फेक्शन से बचने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, ओम हं हनुमते नमः का जप करें और अपने काम पर जुटें। कर्क राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा, काम कर पाएंगे, आपके रोग भी पता चलेंगे या रोग भी आपके दूर हो सकते हैं, लेकिन एक सावधानी, इस दिन अपनी भाषा पर बहुत कंट्रोल रखकर चलें और मेहनत करें। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, ये समय थोड़ा सावधानी से चलने वाला है, इस समय में मन में अकुलाहट, व्याकुलता, गुस्सा, घबराहट, ये सब हो सकता है और इसकी वजह से कोई परेशानी हो सकती है, बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतें, इस दिन लाल वस्त्र ना पहने तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, मीठी रोटी का दान कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, ये वक्त आपके लिए थोड़ा धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कमजोर है, जिन लोगों को आंख की, सर की, दांत की दिक्कत रहती है वो अपना ध्यान विशेष रूप से रखें, लेकिन जो खास सावधानी आपको रखनी है वो धन को लेकर रखनी है। इस दिन उधार लें या देना, और अगर आपको किसी से धन लेना पड़े भी तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, धन देने में भी बहुत सोच समझ कर धन दीजिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को परेशानियों से बचाने के लिए 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को सब प्रेम और सेवा सहित भोजन कराइए। तुला राशि, समय थोड़ा द्वंद्व में फंसाएगा आपको, परेशानी होगी, काम बनते बनते रुकेगा, बहुत मेहनत इस दिन करनी है आपको और मन को बहुत शांत भी रखने की कोशिश करनी है। भाई बहनों का विशेष रूप से ख्याल रखें, एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन वाहन बहुत ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर करने के लिए आप ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, फिर काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा धैर्य जरूर धारण करना पड़ेगा, तभी जाकर काम बनेंगे, क्योंकि काम डिले होगा और अगर आपने धैर्य नहीं रखा इस दिन तो फिर परेशानी हो सकती है, आप काम छोड़ भी सकते हैं या किसी से झगड़ सकते हैं। एक छोटी सी सावधानी, वाहन ध्यान से चलाइएगा और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है, अपने इष्ट को सफेद पुष्प भेंट कीजिए, थोड़ी देर उनका ध्यान कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए। धनु राशि, मन में जल्दबाजी की वजह से आपको कोई नुकसान हो सकता है, इसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। एक छोटी सी सावधानी, खास तौर से जब आप ड्राइविंग कर रहे हो या जब आप कोई बड़े डिसीजंस ले रहे हो या मीटिंग में बैठे हो, तब आपको खास तौर से अपना ख्याल रखना होगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन दूध का दान जरूर कर दीजिएगा। मकर राशि, धन की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, कुलाहट और व्याकुलता की वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं, किसी मित्र को शत्रु बना सकते हैं, लेकिन एक सावधानी, इस दिन यदि किसी को धन दे रहे हैं तो ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए किसी जरूरतमंद की सेवा अवश्य कर दीजिएगा, चाहे भोजन दे के चाहे धन दे के। कुंभ राशि, ये दिन अच्छा है, परेशानियां तो अपनी जगह रहेंगी लेकिन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उपाय कर लीजिएगा, पहली बात तो इस दिन आप बहुत तोल मोल कर अपनी बात कहिएगा, भाई बहनों को
कॉन्फिडेंस में लेकर बात कीजिएगा, उनसे झगड़ा ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा। और इस दिन एक छोटा सा उपाय, ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करके फिर अपने काम पर जुटिएगा। मीन राशि, प्रतिष्ठा की दृष्टि से यह दिन बहुत कमजोर है, इसलिए बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है। खास तौर से वो लोग जो सामाजिक जीवन में हैं, वो ध्यान रखें कोई उनका अपना उनसे नाराज ना हो जाए, नहीं तो आगे जाकर नुकसान हो जाएगा। एक छोटी सी सावधानी इस दिन जरूर बरत लीजिएगा, माता पिता का ख्याल इस दिन जरूर रखें। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर करने के लिए, आप हल्दी का दान जरूर कर दीजिएगा या हल्दी की बनी हुई किसी चीज का दान कर दीजिए, जैसे सब्जी वगैरह है इसका दान कर दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे।